रविवार के रोमन कैथोलिक चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों ने खजूर पर्व काफी भक्तिमय के माहौल में मनाया। ईसा मसीह के यरूशलेम में विजयी राजा की तरह प्रवेश करने की याद में ये मनाया गया। बाइबल के अनुसार जब ईसा मसीह ने अन्याय के विरुद्ध जनता की आवाज बनकर यरूशलेम में प्रवेश किया, तब उनके अनुयायियों ने अपने हाथों में खजूर की डाली लहराकर उनका स्वागत किया। खजूर पर्व के मौके पर चर्च में पल्ली सहायक फादर इग्नाफ सुसीस खलखो ने मिस्सा पूजा की। मौके पर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ईसा मसीह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। जो है वह पूरी कलीसिया में जो है मनाया जा रहा है और इसका संदेश यही है कि प्रभु यीशु क्रिस्त जो स्वयं ईश्वर हैं और विशेष रूप से यरूशलेम में वह भव्य जुलूस के साथ और जुलूस के साथ वह प्रवेश करते हैं और एक राजा के मसीह के रूप में प्रवेश करते हैं। शाम 4 बजे से होगा यादगारी में, जिसमें तीनों संघ सभा महिला संघ पूरी कलीसिया संघ की माता पिता भाई बहन मनाया जा रहा है। समय पर हमारे पारिस में और हमारे जितने भी पारिस हैं सभी में आज खजूर का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए थे और जब दुखों का सप्ताह शुरू होता है उस समय लोग यीशु का स्वागत खजूर की डाली से करते हैं और यीशु को अपना राजा और मुक्तिदाता मानते हैं। और आज के बाद से उनके साथ जो दुखभोग के समय बीता वो शुरुआत होती है और ये पास्का काल तक चलती है, पास्का जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए थे। क्या नाम है? रश्मि, मेरा नाम रश्मि। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।